हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सिपाही, सारी तैयारियां हो गई? क्यों नहीं साहब। राजकुमारी जी कहाँ हैं? राजकुमारी जी भी हैं साथ में। बुला लाइए और सब लोग चलते हैं। क्या हुआ मंत्री जी? राजकुमारी जी, हाँ तैयारी हो गई? हाँ बिल्कुल तैयारी हो गई। तो फिर देर किस बात की है, आओ हम चलते हैं स्टेशन पर। आइए चलते। आइए मेरे साथ। राजकुमारी जी, मंत्री जी, यही उदयपुर का स्टेशन है। हाँ, क्यों नहीं? सिपाही, हाँ तुम जाओ स्टेशन बाबू से पूछो कि उदयपुर से जयपुर के लिए ट्रेन कितनी समय की है और किस प्लेटफॉर्म नंबर पे है। यही पूछ कर आई है। तुरंत है, पूछ रहे हैं साहब। हेलो स्टेशन बाबू। हाँ हेलो, कौन? साहब हम लोग यात्री हैं। साहब बोल रहा भाई, उदयपुर से जाने वाली ट्रेन जयपुर के लिए कितने बजे आवत साहब? अबे सोने नहीं देते हो तुम लोग, नींद हराम कर दिया। नहीं साहब, पूछ रहा हूँ उदयपुर से जाने वाली ट्रेन जयपुर के लिए कितने बजे आती है। साहब जाना है तुम्हें? हम लोगों को जाना है जयपुर। जयपुर जाना है? हाँ साहब। तो जयपुर वाली ट्रेन अभी 2 घंटे लेट है, और आएगी भी तो 8वें प्लेटफॉर्म पे आएगी। स्टेशन बाबू बता रहे हैं कि उदयपुर से जाने वाली ट्रेन 2 घंटा लेट ही है। अबे 2 घंटा लेट होगी। लेट है? हाँ। और किस प्लेटफॉर्म नंबर पे आ रही है? स्टेशन बाबू बताए भाई, 8 नंबर पर आ रही है। यानी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आएगी। 8 पे आ रही है। लेकिन 2 घंटे तक हम लोग क्या करेंगे? राजकुमारी जी, क्या बात है मंत्री जी? उदयपुर से जयपुर के लिए ट्रेन अभी 2 घंटा लेट है। क्या 2 घंटे लेट है? हाँ राजकुमारी। मंत्री जी ऐसा कीजिए कि तक पे मैं आराम करती हूँ और जब ट्रेन आ जाए तो मुझे जगा देना, ठीक है? ठीक है, मैं आराम करती हूँ। राजकुमारी जी आप आराम करिए, मैं ट्रेन आने से पहले आपको जगा दूंगा। क्यों नहीं? यात्रीगण विशेष तौर से ध्यान दें, जेब कतरों से सावधान रहें और अपने सरो सामान की स्वयं सुरक्षा करें। ठीक है साहब। साहेब स्टेशन बाबू बताएं, अपने अपने सामान का सुरक्षा करे रहे हो। सिपाही जी ठीक कह रहे हैं, अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं करना है। हाँ। एक काम करो। कौन सा काम? जब तक कि तुम जाओ चाय नाश्ता करके आओ। चाय? हाँ साहेब, हम जाए चाय पियाई, आपको कुछ लेता हुआ है? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आप जाए और फिर हमको जो खाना होगा मैं बतला दूंगा। तुम्हारे लिए मूंगफली लेता ही? नहीं, मैं कुछ नहीं खाता हूँ। केला खाई है? अबे मैं कुछ नहीं खाता हूँ। इनका समोसा? जाओ यहाँ से। कुछ न खाइयो साहब। कुछ नहीं। मौका अच्छा कि राजकुमारी इस वक्त नींद में हो गई है, सिपाही भी यहाँ से चला गया है, क्यों ना मौके का फायदा उठा लूं और राजकुमारी से 2-4 भरी प्यार की बातें करूं, क्योंकि उस दिन का मुझे आज भी याद है। उदय प्रताप सिंह, देख अब तेरी बेटी के साथ ये ठाकुर विक्रम सिंह कौन सा शतरंज रचने जा रहा है। अगर तेरी बेटी की जवानी को बर्बाद न कर दिया तो हमारा नाम विक्रम सिंह नहीं है। अब मौका अच्छा है, चलता हूं राजकुमारी के पास। हमको लगता है जलंधर जा रही का है ट्रेन।
सिपाही जी, ये ट्रेन नहीं है। फिर कौन आए? अबे अभी तो बहुत देर बाकी है। हाँ जाओ तुम, जब तक चाय वाय पी करके आओ यार। ठीक है साहब, जाओ। समोसा खाई हो लेता है तुम्हें। मैं कह रहा हूँ मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जाओ यहाँ से। साले ना मालूम कहाँ से आके मर जाते हैं, बना बनाया काम साले बिगाड़ देते हैं। अब मौका अच्छा है, अब मैं जाऊंगा राजकुमारी के पहले किस करूंगा। मंत्री जी, ये क्या बदतमीजी है? ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम? राजकुमारी बदतमीजी नहीं, ये हकीकत है। जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ ये हकीकत में समझो कि आज मैं तुम्हारे साथ में क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जगाने का, जिस तरह आप जगा रहे हैं। क्या हुआ मेरी जान, आखिर क्यों इतना नाराज होती हो? मैं कहती हूँ होश में बात कीजिए मंत्री जी। राजकुमारी जी, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? इसलिए मेरी बात को गौर करके सुनिएगा। बोलिए। कौन है? खस्ता करारी मूंगफली वाला बाबूजी, खस्ता करारी मूंगफली। हे दूर से बात कर, पीछे हट। मैम साहब खस्ता करारी। साहब कई रुपया पहिया है मूंगफली? कई रुपया पहिया है? कई रुपया पहिया? हाँ। अरे 20 रुपया 250 ग्राम। अरे यार 20 रुपया 250 ग्राम। हाँ। अरे हो तो यार कुछ कम कर दियो। कम? हाँ 25 रुपए दे दो। ले ले का साहब, एक पहिया 25 का दिया था भाई। जो मर्जी हो तो खा ले। ले आओ फिर पैसे निकालो। पैसा? हाँ, पैसा दे रहे यार, पैसा ले हैं। कहाँ हुआ ऐसे चले आए ना भाई। खास्ता करार मन मिला पा। बोलने के टाइम खटखट मत करो, लेना हो तो बोलिए, नहीं तो कहता कुछ नहीं लेना। भाग यहां से मेम साहब। आपको चुप। जब साहब ले तो मेम साहब कहां से ले हैं यार? आप ले लेंगे। मैं नहीं लूंगा, चल यहां से। कोई बात नहीं, खास्ता करा रहे मूंगफले। जाओ आगे वाले प्लेटफॉर्म पर बैठो। जाए ना मालूम साले कहां से आके मर जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप मंत्री जी? राजकुमारी जी तो सुनिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? और राजकुमारी जी मेरे बदन में लागी आग। साले के हाथ नहीं, वो आग नहीं, बाद वागी लागा। राजकुमारी जी मेरे बदन में लागी आग, और उम्र शक्ल तो देख कर दिल गयो मेरो। और मुझे हंस के प्यारी गले से, मुझे हंस के प्यारी गले से लगाओ, और मेरे दिल की थोड़ी जलन तो छाओ। बरसों से मैं सोचता दिल में यही चाहती, आज तक बैठा था ना फिक्र ना परवाह थी। और मुझे अपना सोहर ए राजकुमारी, और मुझे अपना सोहर खुशी से मनाओ।
तेरी राजकुमारी। बोलिए। मान लीजिए मेरी बात को और एक बार विक्रम सिंह की बाहों में आ जाओ, ऐशो आराम करोगी। बदजुबानी नहीं करना, जहाँ पर खड़े वहीं पर खड़े रहो, ठीक है? क्या हुआ मेरी जान? ये मजाल, आखिर बात जो मुझसे इतनी बड़ी बात बोलता है तू? और सुन मेरी बात तो कान खोल कर। क्या कहना चाहती हो मेरी जाने मन? और नौकर हो कर तू मेरा, क्या करते हो बार? नौकर होकर तू मेरा क्या करते हो बात? और सन में नहीं आई तुझे मेरे लगाते हाथ। ये धर्म के काम मां साहब नहीं शर्माते हैं। ए राजकुमारी, शर्म किस बात की है मेरी जान? अगरचे तुम मेरा कहा मानोगी तो समझ लो हम तुम्हें ठकुराइन बना के रखूंगा। मैं तेरा कहना कभी नहीं मानूंगी कमीने। नहीं मानोगी? नहीं। तो आज ठाकुर विक्रम सिंह तुम्हारी जवानी को बर्बाद कर देगा, और जिस चीज को यह ठाकुर विक्रम सिंह चाहता है उस चीज को हासिल करके छोड़ता है। जब तक आज तेरी जवानी से खेल नहीं जाऊंगा तब तक हमारे दिल को चैन नहीं है। तू मेरी इज्जत से खेलेगा? अपनी शक्ल आईने में देखी हराम जाते। तू मेरी इज्जत से खेलने आया? अरे शक्ल में क्या है मेरी जान? कौन सी ऐसी कमी है कि जो तुम इतना नखरे दिखाती हो? शक्ल देखी है, बंदर जैसी तेरी शक्ल है हराम जाते, किसी बकरे से कम नहीं है तेरी। बंदर ना समझो, इनका लंडूस बंदर समझाओ। तू सही कहता है। राजकुमारी, तो तुम हमारा कहा नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं मानूंगी तेरा कहना। तो सुनिए फिर, क्या सुनाएगा तू? और कमर जैसे नागन और कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, जैसे नागन लचकती तुम्हारी और भरी रस की गागर भरी रस की गागर छलकती तुम्हारी। तो गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया, क्या करूं जानम मेरी दुश्मन जमाना हो गया। ए राजकुमारी, और निगाहें नहीं हैं, ये निगाहें नहीं और निगाहें नहीं हैं तेरी है कट्टारी। क्यों रे हराम जादे, निगाहें ने कटारी हैं। अरे वाह, हराम जादे भी कटारी तो चली नहीं है, अगर चल जाएगी ना हराम जादे तो नहीं मानोगी तुम? बिल्कुल नहीं मानूंगी। अकड़ दिखाओगी? बिल्कुल अकड़ दिखाऊंगी तुझको। अरे ओए राजकुमारी, बोल कुत्ते। मैं वो बला हूँ कि हमारे मार में अच्छे अच्छे भूत भी साले भजन गाते हैं, लेकिन तुम तो एक लड़की हो। अभी तुमने हमारा गुस्सा नहीं देखा है, कहीं खोपड़ी घूम गई राजकुमारी तो समझ लो इस जवानी को बर्बाद कर डालूंगा। इसलिए भला इसी में है कि मैं तुम्हें प्यार से समझाता हूँ, एक बार हमारा कहा मान लीजिए। मैं मान लूँ तेरा कहना? हा? अरे जा हराम जादे। तो खा के टुकड़ा हरामी पला तू मेरा, मुझसे ही कर रहा है बदजुबानियां, जा चला जा यहाँ से, अरे बेशरम मुंह पे मारूंगी मैं तेरे सौ जूतियां। तो
चाहे जो कुछ कहो सब गवारा मुझे, चाहे जो कुछ कहो। मुझे बिन पिए वसल का जाम कुछ कसर है नहीं, तुम हमारी बनो मैं तुम्हारा हुआ, आज से बदले में है कुछ कसर है नहीं। राजकुमारी जी तुम चाहे जो कुछ कहो सब कुछ मुझे कबूल है, लेकिन प्यार से एक बार हमको अपना सैया बना लीजिए। तू सैया बनेगा? हराम ज्यादा सैया बनेगा या बड़े सैया वाला? नहीं मानोगी कमी का साहब के अंदर। तो ठीक है, अगरचे तुम हमारा कहा नहीं करती हो तो देखो एक ठाकुर विक्रम सिंह तुम्हारे साथ में वो बदसलूक करने जा रहा है, और बुलाओ तुम जिसे बुलाना चाहती हो, आज तुम्हारी जवानी को मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। बुला जिसे बुलाना चाहती है, बुला जिसे बुलाना चाहती है। यहां पर ऐशो आराम किया जाता है और दिन दहाड़े वसल का जाम पिया जाता है। चाचा जी इसी से यहाँ की रियासत को लूट लिया जाता है। कौन साले छिनरा आए हो? साले भाग गए वरना इतनी गोली मारता साले चेहरा नहीं पहचान मिलता। और बस खबरदार गिल सकता कोई लगी बस खबरदार गिल जो जगह है वही सीधा बैठा रहे। मैं खुदा को यहाँ अब लूटने आ गया जिसको मंगल कहे सीधा उतार रहे। हाँ मैं खुदा को यहाँ अब लूटने आ गया जिसको मंगल कहे सीधा उतार है। रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों और मुसाफिरों जो भी जिसके पास है वो मंगल सिंह के हवाले कर दो, अगर किसी ने जरा सी चलाकी करने की कोशिश किया तो ये मंगल सिंह उसे इस दुनिया से मिटा देगा। जिसके जो पास जो माल हो डाकू मंगल सिंह के सामने लाकर हाजिर करे, माल नहीं ना गेहूं चाउर जे के हूं पिसान में लाग दे दियो। चाचा जी हाँ लड़की, इस लड़की के पास जो भी सामान है जो माल है सब डाकू मंगल सिंह के सामने लाकर हाजिर कर। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कापियों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूं आपको? ये ऊंच ऊंच का आवाज भरे हो चाचा जी। ये लड़की कुछ धरे है, ये अंगूठी जेवर कलम कापी किताब सब लाओ हमको। ये सब लोगे? हाँ अंगूठी पहने हो चैन पहने हो सब लाओ। ये लो देती हूँ जो पास मेरे रकम, ये लो देती हूँ जो पास, ये लो देती हूँ जो पास मेरे रकम, देखा जाता नहीं ऐसा जुल्म सितम, देखा जा
वाले भला क्या क्या नफा तुम पाओगे, ये पराया धन भला कितने दिनों तक खाओगे। किस लिए कर रहे ऐसा खोटा कर्म, कर रहे ऐसा क्यों। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? ए मांगा माला उठा रहा हूँ, माला उठा लियो तो है चाची हो जाएगा। क्या चाची हो जाए, लाओ माला। अच्छा, इसका मतलब कि हमारी चाची के लिए आप व्यवस्था कर रहे हैं, क्यों? और जो अंदर जो भरे हो बुलाओ। ले लिया सारे सामान। अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब आपके पास कुछ नहीं है? नहीं। जो धरे हो दादी हो? नहीं है। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? सुनिए मेरी बात को। तुम हो जाती कहाँ को बता दीजिए, तुम हो जा दीजिए। अपनी तारीफ सच सच बयां कीजिए, ऐ जमा लड़की तू किसकी रखने का क्या ठौर है, तनखा है आपस में तेरे भी कोई और है, और सीम तल हाल शारा बयां कीजिए, सीम तल हाल शारा बयां कीजिए। तुम हो जा बोलिए, तुम इस वक्त जा कहाँ पर रही हो? आप अकेली हैं या कि आपके साथ और कोई है? मैं बताती हूँ। ये बताओ, अकेले न हो कि और कोई है? नहीं, मैं अकेली हूँ। नजदीक क्यों जा रहे हो? पूछी थी कि अकेले है कि और। हाँ तो दूर से पूछिए। दूरी नहीं ठिकाना। सुनिएगा। और नहीं ना, पूछो। नहीं। बताओ को को। नाम है अरुणा हमारा, पढ़ना मेरा काम है, उदय सिंह की लाडली उदयपुर धाम है, और देखा जाता नहीं ऐसा जुल्म सितम, देखा जा इसका मतलब कि आपका हमारा जुल्म सितम नहीं देखा जाता है। नहीं देखा जाता है। ए लड़की, नहीं देखा जा, नहीं देखा जाए तो आँखें फोल लियो। हम सब तो यही करब और यही करी थी और यही करता रहा। का लेकिन किस लिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं? छोड़ दू डाके जनी ऐ रख जनी गुलफाम है, शर्त मेरी है हंसी लीजे अगर चे मान है, और अपनी जुल्फों में मुझको बसा लीजिए, अपनी जुल्फों में मुझको बसा लीजिए, अपनी तारीफ सच सच बता दीजिए। अपनी क्या बात है चाचा जी? अब का कही तुमका, तुमका घोड़सवारी विद्या फाइटिंग बाजी सिखावा या सिटिया बाजी कब सिखावा हो है? अपने जुल्फों में तुम उनको तुमको सजा लिया है जी। हाँ। तुम छिनरा का निकल गए हो का यार है?
अरे यार लड़की देख के लाइन लगाओ शुरू है, कम से कम अपने बाप का ख्याल करो, बाप खड़ा है तुम लाइन लगा रहे हो। चाचा जी आ? आज ना जाने क्यों इन्हें देखकर इनके ऊपर हमारा दिल आ गया है और हम इन्हें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अपने प्यार की हबीस बनाकर इन्हें छोड़ दें, बल्कि हम इन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारे पिताजी को लड़कियों से सख्त नफरत है। उन्होंने कहा था कि चोरी करना डाका कर डालना, लेकिन लड़कियों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखना। लेकिन चाचा जी हम इन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। हाँ लेकिन तुम्हारे पिताजी को अगर मालूम पड़ गया तो वो क्या कहेंगे? चाचा जी इसमें आप मेरा हाथ नहीं बटाओगे? ओहमा अरे उस ओहमा तो नहीं। ओहमा तो हम हाथ बटाओ तैयार हैं। उसमें नहीं चाचा जी। हाँ मतलब हमारा साथ नहीं दोगे आप? हाँ तैयार हैं यार, साथ देगा यार भैया, साथ दूंगा यार। बोलिए देवी जी, हम ये डाके चोरी ये सारे कुछ छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप मैं का सोचो हमारे बारे में? तुम्हारे बारे में नहीं चाचा जी। हाँ? अरे आप चाचा जी हैं। चुप रहो यार, वो तुम्हार चाची आए। क्या तुम आपन जुगाड़ छोड़ो, हम खुद ही जुगाड़ लगाओ। चाचा जी आप पागल हो गए हैं? और का है का समझ? अरे ये तुम्हारी बहू है। बहू नहीं, तुम्हार चाची आए। अच्छा ठीक है। हाँ? अगर ये बात है। हाँ? अगर इन्होंने फैसला कर दिया। हाँ? जिसकी तरफ। हाँ? अगर आपको इन्होंने पसंद कर लिया। हाँ? तो हम अपनी चाची मान लेंगे। पक्का है? अगर इन्होंने मुझे पसंद किया। हाँ? तो आपको इन्हें अपनी बहू स्वीकार करना होगा। पक्का है यार, लड़की हम का मानी यार, तो टोपी ओपी लगाए लड़की फांसी फंसाई है एकदम। क्या बात है यार? क्या बात है दादाजी? दादाजी दादाजी आपको कह रही हूँ। हाँ तुमको कह रही दादाजी। नहीं किसकी तरफ हाथ जा रहा है देखो। कौन कौन दादाजी आप हैं? नहीं आप दादाजी हैं। आप दादाजी हैं? नहीं आप दादाजी हैं। हो आप का मजाक कर रहे हो, हम दादा कहाँ से लागी थे। तो फिर क्या कहूँ चाचा जी? चाचा के तोहरे हम टोपी और कौनो रिश्ता बनाओ जो फायदा हो दादा चाचा का हो। ठीक है आपको मैं पिताजी का हूँ। हमार नंबर लाइन हमार लाइन बहरे जा थे। सुन लिया चाचा जी? हाँ सुन लिया भाई। ऐसा है क्या है? तुम लगा लियो के बाद फिर हमारो लगवा जो भाई। यही में यार। ससुर जी हाँ आप क्या कह रहे हैं? ससुर जी हाँ आप क्या कह रहे हैं? आप क्या क्या कह रहे हो ससुर जी? आपको कह रही हूँ। किसको? आपको कह रही है। को हम को ससुर आप हमारे यार लाइने कौन कहने चलो ठीक है बात करो। बोलिए देवी जी क्या आपने अपने दिल के अंदर क्या फैसला किया है हमारे लिए? इनको समझा लीजिए ये हाथ लगा रहे हैं। चाचा जी मजा करें बढ़ाओ पटोहिया फंसाए के। आप पहले दादाजी को यहाँ से जाने के लिए कहें। चाचा जी हा? लड़की बातें करने में जरा शर्म कर रही हैं, आप थोड़ी देर के लिए बाहर छुप जाइए। और थोड़ी देर का तुम ही ना चले जाओ यार। मैं अगर 2 मिनट का चले जाओ तो तुम्हार चाची पक्का है बन जाए। बना लोगे? हाँ तो ठीक है चाचा जी हम ही चले जाते हैं। नहीं बाबा जी आप जाइए। चलिए थे बाबा बाबा मामी मामला फाइनल है। जाइए। बोलिए देवी जी। हाँ आपने अपने दिल के अंदर क्या सोचा है? क्या चीज? मैं थोड़ा बोलिए फिर से बोलिए। मैंने कहा हाँ? कि आपने हमारे बारे में अपने दिल के अंदर क्या सोचा है? हाँ अब तो बता सकती हूँ क्योंकि दादा जी भी चले गए हैं। अच्छा उन्हें शर्मा रही थी क्यों? शर्म आ रही थी लेकिन इसमें मैं बताऊँ मैं क्या, आपको देखकर आपकी इस वीरता को देखकर न जाने क्यों अब मैं क्या बताऊँ आपसे, आप खुद ही समझ जाइए। अच्छा लेकिन वादा कीजिए कि कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे आप। देवी जी अगर साथ छोड़ने के लिए होता तो ये शब्द मैं आपसे नहीं कहता कि मुझे आप अपना जीवन साथी बना लें। देवी तो ठीक है आपका कहना मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ तुम्हारी सूरत ऐसी है कि जो भी कोई आपको देखेगा वो तुम पर दीवाना हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये बोलो कि क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम? जी हाँ मेरा नाम अरुणा है। अरुणा जी
अरुणा जी हाँ देख कर तेरे रुखसार को दिल रुबा काबू के बाहर दिल ये हमारा हुआ देख कर तेरे रुखसार को दिल रुबा काबू के बाहर दिल ये हमारा हुआ स्वर्ग की अप्सरा प्यारी गुंचे दहन स्वर्ग की अप्सरा प्यारी गुंचे दहन तेरी आंखों से घायल जिगर ये हुआ स्वर्ग की तुम्हारी चितवन ऐसी है कि मेरे दिल के अंदर घायल कर दिया है आप क्या बोल रहे हैं मेरे तो समझ में मेरी आंखों में क्या है तुम्हारी आंखों में जादू है आइए एक दूसरे में खो जाते हैं ठीक है दूर हटो दूर हटो क्या हुआ कितना भीगे हुई हो कैसे भीग गए आप पानी में नहा रहे थे पानी में डुबकी लगा कर आया हूँ यहाँ पर और दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके मेरे दिल जानी मेरे माही मेरे टोलिया कोई सुन लेगा जरा धीरे धीरे बोलना मेरा साथ छोड़ ना दे तुझको कसम है नयो जाना दिल तोड़ के ओ, मेरा साथ छोड़ ना दे तुझको कसम है नयो जाना दिल तोड़ के हो दिल चुरा लिया है मैंने बेकरार करके तुमसे प्यार करके तुमसे कैसो ये पूरी पिक्चर ही बनावे लागे का यार लौंडा बहुत पैदा हो थी लेकिन तुम्हारे यहाँ लौंडा बहुत पहली बार पैदा भाया तो भाई बापों को नहीं शर्माते हो कहो हमारे सामने पैदाइश हमारे सामने जुड़ गए वहाँ लेकिन आपको कुछ बोल कराना था ना खा खा खेखार की तो आए यार नहीं हम लोगों ने नहीं सुना ना लेकिन बेटा ये बात तुमने सब कर लिया
बिना सोचे सबने है इतना बड़ा फैसला कर लिया। काश इस बात को तुम्हारे पिताजी डाकू मंगल सिंह जान गए, वो डाकू करण सिंह जान गए तो क्या ये रिश्ता कबूल करेंगे? चाचा जी आखिर आप किस मर्ज के दवा हैं? नहीं ठीक है यार, मजा मारे गाजी मियाँ धक्का साहे मुजावर, मजा तुम काट रहे हो और जो तो सजा के बात आई तो हम वहाँ समझेंगे। चाचा जी पिताजी से बातें आप करेंगे। यानी पिताजी से बातें हम करेंगे और उनसे बातें तुम करियो? आले छाले हमारो लहुआ देव कर। चाचा जी जरा शर्म कीजिए, ये तुम्हारी बहू है। अरे यार बहू बहू है जमाने, और बहू एक बेटी के बराबर होती है। ऐसी बात कहा थे यार, हम झुराए जाए थे। ठीक तुम्हारी बेटी हूँ। बेटी बेटी हो? ठीक है बेटी हो तो हम बप्पा है। ठीक है अगर बप्पा है तो चाचा जी तुम्हारा रिश्ता अगर आपने तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे तो उनको मैं मनाऊंगा। और ले अब अगर बेटी हो गई तो बेटी को हम लोग नहीं लूटते। आप जहाँ जहाँ भी जाते थे मुझे साथ लेकर जाते थे। आओ का भाई, और आप बात जहाँ तो, जो भी खाते थे वो मुझे खिलाते थे। बात तो मौके कह रहे हो, जहाँ जाते रहे साथे लेके जाते रहे, जौन खाते रहे साथे खाते रहे, और तुम जौन खात रहो साथे खवावत रहो। हाँ चाचा जी। और आज भाई एमा अलग, लेकिन चाचा जी हर चीज में हिस्सा होता है। हाँ? लेकिन इसमें हिस्सा नहीं होता है। मेहरारू में हिस्सा नहीं हो, सही है कहत भाई। ठीक है लेकर आओ, लेकिन एक चीज कीजिए। क्या? तुम और इस ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर की। इधर आओ सामने आओ। ए लड़की इधर आओ, ये बताओ तुम कहाँ की रहने वाली हो? उदयपुर की रहने वाली हूँ। उदयपुर की? हाँ। किसके यहाँ की? मैं उदय सिंह की बेटी हूँ। महाराज उदय प्रताप सिंह की? जी महाराज उदय प्रताप। लड़की तुमने भूल जीवन में किया है। क्यों? तुम महाराज की बेटी हो, फूलों पर सोने वाली, और हमारा बेटा मंगल सिंह कांटों पर सोने वाला, और तुम्हारा और हमारे बेटे मंगल सिंह का रिश्ता कैसे कबूल होगा? चाचा जी अगर हमने मंगल सिंह से प्यार किया है तो कांटों पे क्या, मैं सोलों पे सोने के लिए तैयार हूँ। हम लोग खेतहारी में पड़े रही थे। मैं भी चलूंगी। बबुरहाई में घुसे रही थे। कहीं भी रहो चाचा जी, पड़े रही थे। मैं कहती हूँ कहीं भी हो आप, लेकिन मैं मंगल सिंह के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नरवा खोरवा में पड़े रही थे। चाचा जी आप कुछ भी कहें, मैं हर शर्त उनकी मंजूर है मुझे। बेटा इस लड़की के ऊपर तुम्हारे इश्क का भूत सवार है, तुम्हारे लिए हर जुल्म और सुतम को सहने के लिए तैयार है। एक काम करो, तुम इसे दुर्गा माँ के मंदिर में ले जाओ और दुर्गा माँ को साक्षी मानकर इसके मांग में सिंदूर भर दो। जब तुम्हारे पिताजी सिंदूर को देखेंगे तो तुम्हारे पिताजी मजबूर हो जाएंगे और इस रिश्ते को जरूर कबूल करेंगे। बाकी का काम हमारा है, मैं देख लूँगा। तुम ठीक कहते हो चाचा जी, जब अरुणा के मांग में सिंदूर होगा तो पिताजी देखकर कुछ नहीं कहेंगे। अगर ऐसे हमारे साथ चलेंगी तो पिताजी की डांट मुझे खानी पड़ेगी। ये रिश्ता नाजायज समझा जाएगा और तुम्हें सजा भी मिल सकती है। सजा मिल सकती है, अगर सिंदूर होगा तो जो कुछ बातें होगी मैं संभाल लूंगा। ठीक है चाचा जी, तुम सिंदूर भरकर लेकर आओ। ठीक है।